जनपद हरिद्वार के खानपुर में सोमवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल यह खानपुर क्षेत्र के गाधारोना के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा महाआरती के बाद यह भव्य शोभा यात्रा मंदिर से गांव के गली मोहल्ले से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में शोभा यात्रा सकुशल सम्पन्न हुई। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। कि यहाँ सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी का मंदिर है और जो सन 83 से यहाँ पर लगातार शोभा यात्रा और कल 23 तारीख को जैसे प्रोग्राम होगा स्टेज प्रोग्राम वो हमेशा से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हुए हैं साथ में। तो इन सब का हमारे भाई साहब कुआ खेड़े से हैं, इन सबका बहुत सहयोग है। संजय भाई साहब हैं, बहुत सहयोग है इन सब लोगों का। पूरा गाँव साथ देता है इसमें। पूरे गाँव की ये एक ऐसी सिद्धपीठ जगह है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, रुड़की, हरिद्वार, आसपास के सारा गांव का क्षेत्र अक्सर सबका आता है और श्रद्धालु यहां पर लगभग 5000 के आसपास आज शोभा यात्रा में रहे होंगे। और इसके अलावा कल जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम होगा उसमें भी लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में आदमी आने की संभावना है। राजी, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर हमारे यहाँ की है, वह परंपरा चलती आ रही है सदियों से, मंदिर से चलती है, पूरे गांव में घूमती है। या कोई प्यार में हम अपने से धूमधाम से मनाते हैं एक त्यौहार के रूप में, जाके 500-600 आदमी में इसमें 50,000 के करीब आदमी आ जाता है इसमें। पूरा गांव मौजूद है तो भाई? हाँ जी, पूरा गांव। नाच गांव का सब बढ़िया खुशियाँ से मनाते हैं जी। कल का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? कल का प्रोग्राम आज रात जागरण, कल भंडारा होगा, लाखों की तादाद में आदमी आता है जी। हाँ जी, दूर दूर से आते हैं।